हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। और आज हम करने वाले हैं वीरेंद्र बरार के नए सॉन्ग का रिएक्शन वीडियो, और ये होने वाला है बूठंग। और मेरे को अजीब सा नाम लगा, मेरे को या मेरे को प्रोनाउंस करना नहीं आया शायद, लेकिन ये गाना इसमें फीचर हुई है चौतिका। और ये इसके इस गाने के लिरिक्स लिखे गए हैं वीरेंद्र बरार ने ही, और कंपोजिशन भी उनका ही रहेगा। तो चलो आज आके सुनते कि कैसा है ये गाना। और ये मतलब हमेशा से वीरेंद्र बरार का यही रहा है कि गाने के अंदर धमाके और बंदूकों के बिना उनका वीडियो अधूरा है, और वो मतलब ऐसे ही गाने करते हैं। मतलब 90% या 95% मैंने उनके गाने जितने भी सुने हैं वो सारे बंदूकें और गैंगस्टर टाइप में रहते हैं। और वो अब इसमें भी वही चीज़ रहेगी या नहीं रहेगी, वो देखते कि कैसा होने वाला है ये। बिल्कुल अभी आया है, एक दो दिन पहले ये गाना आया है, मेरा रिएक्शन वीडियो आ रहा है थोड़े दिन बाद, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। क्योंकि मेरे को और गानों के लिए मैं रिएक्शन वीडियो बनाने लग रहा था, तो उस वजह से मैं बिज़ी हो गया था थोड़ा, तो मेरे को पता नहीं लगा कि ये गाना कब आया। तो चलो शुरू करते हैं फिर इस गाने का रिएक्शन वीडियो कि ये गाना कैसे होने वाला है। सानू लेना आउंदा कुड़िया दे गल लगना थोड़ा जा औखा, हां सानू वैरियां दे गल पैना आउंदा, झांजरा हार सूट जो भी तेरा दिल करदा जाके जिथों मर्जी ले ली, इस अकरे चढ़दी जान है तू एक बार जाके कह दी हां। सो गाना ख़त्म होता, और गाना मेरे को बहुत बढ़िया लगा। गाने में जो बोल थे वो बहुत तगड़े लिखे हुए थे, और ये हमेशा ही मैंने आपको पहले ही बताया था कि इनका हमेशा यही होता है कि गाने के अंदर यही दिखाना है बंदूकें वगैरह और अपना लाइफस्टाइल दिखाना है कि हाँ भाई मैं ऐसा हूँ और मेरे साथ में मतलब ऐसा ही रहेगा और यही सीन रहेगा मेरा बंदूकों वाला और ये सारा सीन। तो वही चीज़ मतलब ये इनका ये रहा है कि ये मतलब प्रेजेंटेशन इनकी बहुत बढ़िया रहती है हमेशा, ये मतलब पिक्चराइज मतलब बहुत बढ़िया तरीके से उसको फिल्माते वगैरह भी है। जो भी इनके डायरेक्टर है वो बहुत बढ़िया, कंसेप्ट बहुत बढ़िया, वीडियो बहुत प्यारा, कलरिंग बहुत प्यारी थी। कंसेप्ट मैंने तो ऐसा नहीं देखा भाई, अगर आपने देखा हो तो ज़रूर मेरे को बताना कि कौन से गाने के अंदर ऐसा कंसेप्ट था और ऐसे कलरिंग वगैरह थी। लेकिन मेरे को इस गाने में बहुत ज़्यादा ये लगा कि भाई बीट्स का रोल बहुत भयंकर था, बीट्स आर पार की थी।
जो म्यूजिक बनाया हुआ है वो बहुत तगड़ा था और उसके ऊपर कंपोजिशन बहुत प्यारी बैठी हुई थी। तो गाना सुनने में मेरे को तो बिल्कुल भी ये नहीं लगा कि कहीं पे भी डाउन गया थोड़ा सा भी। और जो वोकलिस्ट है इसके अंदर गाने के, तो वो उसने जो उसका वोकल का टेक्सचर है वो बहुत प्यारा है उसका, जो वीरेंद्र बिरार के साथ में बहुत अच्छा बैठ रहा है, उनकी ट्यूनिंग बहुत सही बैठ रही है। तो एक ये भी ज़रूरी रहता है कि हाँ, अगर हम वीरेंद्र बिरार अगर वो गाना गा रहे हैं तो उनके साथ में भी फिर वोकल भी वोकलिस्ट भी ऐसा होना चाहिए, जो फीमेल वोकलिस्ट होगी तो मतलब वो भी सिलेक्ट करनी पड़ती है कि हाँ भाई ये मतलब मेरे साथ में कैसा लगेगा अगर गाएगी तो वो भी चूज़ करना पड़ता है कि मतलब चार पांच को देखना पड़ता है, तो फिर देखते हैं कि भाई हाँ मेरे साथ में कौन सी सूट बैठेगी, किसका वोकल सूट बैठेगा। वो गाने के हिसाब से होता है, हर गाने का अलग वोकल वो होता है, अलग टेक्चर होता है वोकल का, फ्लो अलग होता है और उसके मतलब आवाज़ कैसी चाहिए उस गाने में। तो वही इस चीज़ के अंदर था कि वो फिट बैठ रहा था और हमने गाने को सुना है और इस गाने में मेरे को तो मज़ा आया। इस गाने में ये भी बताया गया है कि भाई मैं तेरा फोन नहीं चकने वाला क्योंकि मैं रहता हूँ भाई बिजी बिजी बंदा हूँ, अगर तेरे को कुछ भी चाहिए तो तू मेरा नाम लेके कहीं से भी ले लियो। इतना दबदबा है भाई का मार्केट में। तो चलो थैंक यू सो मच, हम इस गाने का रिएक्शन वीडियो करते हैं खत्म। और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन नहीं दबाइए तो दबा लीजिए।